ने जब से ये देखा है तब से ये रोड का ऐसी ही हालत है। कभी ये बीकन वालों ने तो अच्छा काम किया ही नहीं, तो जब से देखा है तब से रोड का बुरी हालत है। ज़्यादा से ज़्यादा रोड के बारे में कितनी प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पे? बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत नई गाड़ी के बुरी हालत हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है इस रोड का, बहुत बुरी हालत है, इस रोड पर काम ही नहीं करते हैं। जो ये रोड बीकन को दी गई है, अगर किसी और को दिया जाए तो अच्छा काम होता, तो ये बीकन वाले काम नहीं अच्छा करते। 32-33 साल? नहीं नहीं, कभी नहीं। 33 साल मेरी उम्र हो गई, 33 साल में मैंने ऐसे देखा। तो क्या कितनी प्रॉब्लम फेस करनी? बहुत सर, यहाँ तो 1 साल मुश्किल से निकलता है गाड़ी को, सिर्फ 1 साल नई गाड़ी को। देखो गाड़ी क्या रिक्वेस्ट कर रहेगी? रिक्वेस्ट हमारी यही है सरकार से कि इसको थोड़ा मरम्मत करें। आज तो बीकन तो सबसे, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे चोर डिपार्टमेंट बीकन का है, चाहे जो मुझे जहाँ जो बोले सबसे। अगर और किसी ठेकेदार को होगा तो काम हो जाएगा। अभी देखो हर रोड ठीक हो गया, ये बीकन गढ़ रही है, ये ठीक नहीं हुआ। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, मैं वही कह रहा हूँ। जो रोड भी बीकन के पास है, बीकन के पास है, वो सब ऐसे है। जो सिविल ठेकेदार हैं पार से आए, वो देखो सब रोड ठीक हो गए, खाली ये बीकन वाले नहीं करते। ये नेशनल हाईवे है इस टाइम, आप ही देखो इसको कैमरा लगा के देखो इसकी क्या हालत है। थोड़ा आपके सामने, आप इधर से हो ही कर आए, आपने इसके बारे में सब कुछ देख लिया, रोड कैसी है। गाड़ियाँ 10-15 दिन के बाद फिर रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, खड्डे हैं पूरे, रोड पूरी ख़राब है। कब से इसका हालत जो है? यह है जब से मैं गाड़ी लगभग 10-12 साल हो गए चलाता हूँ, तब से मैंने ये रोड ऐसे ही देखी है। बीकन वाले फिर काम इधर करते ही नहीं है, जो ऐसे ही रोड पड़ी है। जैसे लगता है कि ये रोड किसी दूसरी एजेंसी को देनी चाहिए, तो वो फिर गवर्नमेंट का काम अगर दे देंगे तो हो भी सकता है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर भी सकती है, अगर नहीं चाहे। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर बीकन से लेके किसी और एजेंसी को, वो फिर काम करेंगे इधर बाकी। और फिर आपने देखी रोड, जो हालात है रोड की वो सामने। हमें रोड की बहुत परेशानी है, आपने देखा कि हम लोगों का क्या हाल है। इस तरह जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है ये नाइंसाफ़ी है। रोड की खस्ते हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब से मैंने ये संभाल समझी यहाँ तो बहुत बुरी हालत है रोड की। और हमें ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो बीकन को ये रोड दी है, इसमें तो बहुत ही और सत्यानाश होगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी और महकमे को दे दो, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी बच सके, और हमें बहुत दिक्कत है रोड की। Assalamualaikum, मैं अदनान शबीर, रियाद बारा यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद सबर एजुकेशन सर्विसेज लाए हैं आपके लिए 100% स्कॉलरशिप मेला आपके शहर नॉर्थ कश्मीर में। आप आइए अपने बच्चे के साथ 100% स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए। इसके साथ साथ हमारे पास आपके लिए कुछ गिफ्ट वाउचर्स और हैम्पर्स भी है, जिसका फायदा आप वहाँ आके उठा सकते हैं। 15 जुलाई वेलकिन हायर सेकेंडरी सोपोर आइए और रियाद बारा के साथ जुड़ जाइए। रियाद बारा यूनिवर्सिटी, बी फ्यूचर रेडी। रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोथखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, श्रकवारा। यहाँ बेकरी मिठाई, प्लम केक्स, गिफ्ट केक्स, एनिवर्सरी केक्स, पेस्ट्री के अलावा तमाम डिस्पोजल आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रियायती कीमतों में दस्तियाब है। तशरीफ लाइए रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोथखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, श्रकवारा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9622578419, 9596580544। Rakib Sir's Excellence, Parepura, Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence, Parepura, Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333. क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप जराए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अजम किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स, मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबर है 9906165030195479661। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो।